श्री महाभारत खिल भागे षट पंचाशतम अध्याय में श्री कृष्ण की आज्ञा से यादवों का द्वारकापुरी को प्रस्थान। विषमपान जी कहते हैं, जन्मेजय, तदंतर किसी समय कमलनयन भगवान श्री कृष्ण ने यादवों की सभा में बैठे हुए समस्त सभा सदा से ये हेतु युक्त वचन कहा। वह राष्ट्र की माला से अलंकृत अर्थात समूचे राष्ट्र की राष्ट्र को माला की भांति धारण करने वाली राजधानी मथुरापुरी यादवों की भूमि है। हम भी यहीं पैदा हुए हैं और इसी के व्रज में पल करके बड़े हुए हैं। इस समय हमारा सारा दुख दूर हो गया है, हमारे शत्रु भी हमसे हार मान चुके हैं। हमने राजाओं से वैर मोल ले लिया और जरासंध से लड़ाई छेड़ दी। हमारे पास पर्याप्त वाहन हैं, पैदलों की संख्या भी अनंत है। हमारे खजाने में विचित्र रत्न हैं तथा हमारे मित्रों की संख्या भी बहुत है, परंतु ये मथुरा की भूमि बहुत छोटी है और शत्रु का सुगमता पूर्वक इसमें प्रवेश हो जाता है। इधर हमारे सैनिकों और मित्रों की बहुत अधिक वृद्धि हुई है। हमारे पास जो ये 1 करोड़ कुमार अर्थात अविवाहित सैनिक हैं तथा ये जो पैदलों के बहुत से दल हैं, इनके भी यहाँ रहने से यहाँ बहुत बड़ी भीड़ भाड़ दिखाई देती है। अतः यदुपुंगवो, अब यहाँ निवास करना मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं दूसरी पुरी बसाऊंगा। मेरी इस धृष्टता को आप लोग क्षमा करेंगे। इस यादव सभा में मेरे हार्दिक अभिप्राय के अनुसार जो बात कही गई है वह समय के अनुसार आप लोगों के उद्भव के लिए ही है। यदि आप लोगों को अनुकूल जचता हो तो कहिए। तब समस्त यादव प्रसन्न मन से बोल उठे, प्रभु, इस यादव समाज के उद्भव के लिए आपको जो अभीष्ट हो वह कार्य कीजिए। तब समस्त वरिष्ठ मंशी मिलकर के उत्तम मंत्र ना करने लगे। ये जरासंध या काल यवन हम लोगों के लिए अवध्य कर दिया गया है। हमारे उस शत्रु का सैनिक बल बहुत बड़ा है। हमारे पक्ष के नरेशों ने शत्रु की उस सेना का बड़ा भारी विनाश किया है, तो भी उनके पास अभी बहुत सी सेनाएं हैं जिन्हें हम लोग 100 वर्षों में भी नहीं मार सकते। अतः हमारा विचार उनसे हट जाने के लिए ही हो गया है। इसी बीच में काल यवन सहित राजा जरासंध फिर वैसे ही सेना साथ लेकर के मथुरा पर चढ़ाया। असमय मथुरा के सैनिकों के लिए जरासंध की सेना को ही रोकना अत्यंत कठिन कार्य था। फिर जब यादवों ने काल यवन का भी आगमन सुना तब तो उन्होंने मथुरा से हट जाना ही अपने लिए श्रेष्ठकर समझा। सत्य प्रतिज्ञा श्री कृष्ण ने वहां यादवों से फिर कहा, आज ही वह पुण्य दिवस है जबकि अपनी सेना के साथ हमें यहां से निकल चलना है। ये सुनकर के समस्त यादव श्री कृष्ण की आज्ञा से उस पुरी को छोड़ करके निकल गए। उस समय सैन्य समूहों के कोलाहल से भरे हुए यादों के दल समुद्र के जल प्रवाह की भांति जान पड़ते थे। वसुदेव आदि सभी यादव अपनी स्त्रियों को साथ ले कसे कसाए मतवाले हाथियों रथों और सुसज्जित अश्वों के द्वारा मथुरा छोड़ करके चल दिए। उन सामने डंके पीट करके स्वजनों तथा जाति भाइयों के साथ वहां से प्रस्थान किया था। भरत श्रेष्ठ स्वर्ण भूषित रथों मतवाले गजराजों और साथी की आज्ञा मात्र से उछल करके चलने वाले तथा हाथ में चाबुक लिए सवारों द्वारा हांके जाने वाले घोड़ों से अपनी अपनी श्रेष्ठ सेनाओं की शोभा बढ़ाते तथा उन्हें खींच करके अपने साथ लिए जाते हुए वृष्णिवंशी बड़े हर्ष के साथ पश्चिम दिशा की ओर प्रस्थित हुए। तंत्र यदुकुशल
श्री कृष्ण आदि सभी मुख्य मुख्य यादव अपनी सेनाओं को साथ ले लेकर के चले। वे यदुपुंगा वीर सिंधुराज के जलप्रयाग देश में जा पहुंचे, जो नाना प्रकार की लताओं से विचित्र शोभा पा रहा था। नारियल के बहुत से वन वहां सुशोभित होते थे। नाग केसरों के झुंड इधर उधर सब ओर फैले थे, जिससे वहां की कमनीयता और भी बढ़ गई थी। केवड़ों की झाड़ियों से वह प्रदेश अलंकित हो रहा था। कहीं कहीं ताड़, पुन्नाग, बकुल और अंगूर के वन उस भूभाग को और घना बना रहे थे। जिन्हें सुखी प्रिय है वे सब यादव वहां के रमणीय स्थानों में स्वर्ग में रहने वाले देवताओं के समान आनंद का अनुभव करने लगे। शत्रुवीरों का संहार करने वाले श्री कृष्ण ने नगर के वास्तु स्थान की खोज करते हुए समुद्र से शोभित होने वाले एक विशाल प्रदेश को देखा। वह स्थान बालू के साथ ही तांबे के रंग वाली मिट्टी से शोभित था। वाहनों के लिए हितकर तथा नगर उपयोगी शुभ लक्षणों से संपन्न था। वह ऐसा मनोहर प्रतीत होता था मानो लक्ष्मी ने उसे अपना वास स्थान बना लिया हो। सिंधुराज का वह प्रदेश समुद्र की वायु से विजित, सागर के जल से सेवित तथा नगर उपयोगी लक्षणों से शोभित था। वहां पास ही रैवैतिक नाम से प्रसिद्ध पर्वत था, जिसके शिखर मंद्राचल के समान ऊंचे और रमणीय थे। वह पर्वत सब ओर से बड़ी शोभा पा रहा था। वहां एकलव्य रहता था। आचार्य द्रोण भी वहां धीर काल तक निवास कर चुके थे। बहुत से मनुष्य वहां आते जाते थे तथा वह पर्वत सब प्रकार के रत्नों से व्याप्त था। उसके पास ही उस राजा रेवत की विहार भूमि थी, जिसका बड़े सुंदर ढंग से निर्माण किया गया था। उस भूमि का नाम था द्वारवती, जो विशाल होने के साथ ही शतरंज या चौसर की बिछात के समान चौकोर थी। भगवान श्री कृष्ण ने वहां नगर बसाने का विचार किया। यादों को भी वहां सेना का पड़ाव डालना जच गया। दिन में जबकि सूर्य पर लाली छा रही थी, वहां श्रेष्ठ यादों ने सेना के रक्षक नियुक्त किए और सैनिकों के ठहरने के लिए छावनियां तैयार कराई। यदुप्रवर भगवान श्री कृष्ण ने यादवों के साथ उस प्रदेश में एक सुस्थिर नगर बसाने के लिए निवास किया। गद के बड़े भाई यादव श्रेष्ठ पुरुषोत्तम ने मानसिक संकल्प के द्वारा उस पुरी का नाम निश्चित किया और मन से ही विधि पूर्वक उसमें ग्रहों का विभाग किया। राजन, इस प्रकार बंधु बांधवों सहित यदुवंशी द्वारकापुरी में पहुंच करके वहां उसी तरह सुख से रहने लगे जैसे देवता स्वर्ग में रहते हैं। केशीहंता श्री कृष्ण भी काल यवन का आना जान करके उनके और जरासंध के भय से द्वारकापुरी को चले गए। इस प्रकार श्री महाभारत खिल्लभाग हरिवंश के अंतर्गत विष्णु पर्व में श्री कृष्ण सहित यादों का द्वारकापुरी को पर्यान विषयक 56वां अध्याय पूर्ण हुआ।